हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, दिवंगत राजीव कपूर ने 1983 में फिल्म एक जान है हमसे लेकर अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। आफ्टर दैट राम तेरी गंगा मैली, आसमान, लवर बॉय, जबरदस्त और हम तो चले परदेश जैसी कुछ जानी मानी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों के बीच एक अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि 1991 में अपने पिता राज कपूर के निधन के बाद उन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में एक नई शुरुआत की और फिर 1996 में उन्होंने बतौर डायरेक्टर फिल्मों में डेब्यू किया, जिसकी वजह से उनकी एक्टिंग कहीं पीछे छूट गई। लेकिन फिर 30 साल बाद लेजेंडरी एक्टर ने आशुतोष गवारकर और भूषण कुमार की एक बेहद ही खास फिल्म तुलसीदास जूनियर के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की। लेकिन दुख की बात यह है कि वो उनकी आखिरी फिल्म थी। ऐसे में इस फिल्म को तुलसीदास जूनियर को 23 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था, लेकिन फरवरी 2021 में ही दुनिया को अलविदा कहने वाले राज कपूर के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म है ये, जिसमें उनकी शानदार एक्टिंग देखने को मिली है। फिल्म मेकर आशुतोष अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि कैसे वो दिवंगत एक्टर प्रोड्यूसर के बहुत बड़े फैन थे और उनकी पहली परफॉर्मेंस की यादें कई साल तक उनके साथ रही। लगान के बाद से ही फिल्म मेकर राजीव कपूर के वो कॉन्टेक्ट में थे और मौका मिलते ही वो तुरंत तुलसीदास जूनियर उनके पास ले गए। ऐसे में अपना दुख व्यक्त करते हुए फिल्म मेकर आशुतोष गवारकर ने शेयर करते हुए कहा, मैं राजीव कपूर की पहली एक जान है हमसे लेकर राम तेरी गंगा मैली और जबरदस्त तक उनका फैन रहा हूं। लगान के बाद मुझे उनसे मिलने का मौका मिला और तब से ही हम एक दूसरे के टच में रहे थे। मेरे पास उन्हें कास्ट करने के लिए अच्छा कंटेंट नहीं था, लेकिन मुदुल की तुलसीदास जूनियर के साथ आए और मुझे खुशी है कि राजीव कपूर ने इस भूमिका को करने के लिए अपनी सहमति दी। फिल्म में उनके साथ काम करना शानदार था। ये असल में दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपने परफॉर्मेंस के लिए मिल रही सराहना को देखने के लिए आज हमारे साथ नहीं है। अच्छी बात है कि हमने उनके गुजरने से पहले ही उन्हें फिल्म दिखा दी थी। बता दें, स्कूनर के खेल के लिए जुनून से भरी एक युवा लड़की की ये एक प्रेरक कहानी जो अपने पिता के साथ भावनात्मक और स्नेह संबंधों को दर्शाती है। इस फिल्म में दिवंगत एक्टर राजीव कपूर के साथ संजय दत्त और वरुण बुद्धदेव लीड रोल में नजर आए। आशुतोष गवारकर प्रोडक्शन की तुलसीदास जूनियर को गुलशन कुमार और टी सीरीज द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इस फिल्म को भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, आशुतोष गवारकर और सुनीता गोवरकर ने प्रोड्यूस किया है, जबकि मृदुल द्वारा इसे लिखा और डायरेक्ट किया गया है। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, स्ट्रीम हो चुकी है। माइंड ब्लोइंग फिल्म है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।